आ चुके हैं शूटिंग लोकेशन पे मैडम सर के। तो हमारे साथ युक्ति मैडम है। तो व्लॉग विद अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी के व्लॉग में मैं आया हूँ जो सोनी सब जो चैनल है उस पर जो सीरियल आता है मैडम सर करके, तो उसका जो सेट वगैरह का जो जगह है ना, मतलब वो सब इधर ही है नए गाँव में। तो बाकी मैं वो देखो उधर सब मैडम सर का सेट वगैरह है, ऐसा आप लोग देख सकते हो। शूटिंग का सीन होता है, स्टंट सीन होता है और बाकी सब अलग अलग सीन होते हैं। तो अभी मैं जो इधर में खड़ा हुआ हूँ, हीरो का सेट है पीछे, उसकी एंट्री वो लेफ्ट साइड से एंट्री है वो है। और बाकी देखते हैं हम लोग जो उनके जो कैरेक्टर्स है सब मेन लीडर लोग, उनसे मिलने का ट्राई करते हैं कौन कौन मिलता है क्या नहीं ब्लॉग बनाने का। और मैं आपको सेट टूर तो देने वाला हूँ, इतना कन्फर्म है मैडम सर का। तो बाकी चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये नए गांव में, इसके आगे का एड्रेस मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं भी खुद ढूंढ के निकालो तो किसी ने बताया ही नहीं है, तो मैं भी बता नहीं सकता। तो तब तक चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और कॉमेंट करिए ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द व्लॉग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये अंदर का कुछ सीन है सेट की इधर का, और ये स्टार्टिंग का एंट्रेंस है जिधर से शूटिंग वगैरह सब होता है। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं ये बाहर का शूटिंग हो रहा है, तो कुछ तो बाहर का सीन है उस पर शूटिंग हो रहा है। तो सामने आप लोग वो कार देख सकते हो, वही कार से वो लोग अंदर आना जाना सब करते हैं, मतलब जो किधर दूसरी जगह शूट रहेगा तो उधर ट्रैवलिंग होता है। और ये बुलेट पे देख सकते हैं आप लोग कि यूपी का नंबर प्लेट है, मतलब वो लोग वो साइड का सीन शूट कर रहे हैं। बुलेट के आगे जो ऐसा पिलर जैसा रहता है वो भी यूपी का रखा है, उसमें दिख नहीं रहा है। और शूटिंग चालू था, हम लोग बीच में गए नहीं, तो मैंने थोड़ा बिहाइंड द सीन निकाल के रखा है। बाकी आगे आप लोग देख सकते हो उधर युक्ति मैडम भी खड़े हैं, तो मैंने उनके साथ वीडियो निकाला है। तो अभी आप नेक्स्ट क्लिप में देख सकते हो कि मैंने उनके साथ कैसा वीडियो बनाया है। फाइनली गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं शूटिंग लोकेशन पे मैडम सर के। तो हमारे साथ युक्ति मैडम है। हाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गंगेश यादव। थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली हम आए थे दूसरे के इसमें ऐसी, तो जस्ट आते आते युक्ति मैडम मिले, और जबकि इनका मैडम सर में रोल है करिश्मा सिंह का, तो आप रोल बहुत अच्छा मतलब ये करते हो, बहुत क्या बोलो, बहुत हार्ड है। बिल्कुल, देखते रहिए। और मतलब मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? गाइस, यू आर लव, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और प्यार करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल द लव, थैंक यू। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये सेट के पीछे साइड में, मतलब जो सेट है उसके आगे के साइड में ये दूसरा सेट बना है, सब स्टॉल्स वगैरह मार्केट का। तो बीच में पुष्पा सिंह का शूटिंग वगैरह इधर ही हुआ था इसमें, जो कि गोली लगती है उनको। तो बाकी ये सब अलग अलग मंदिर वगैरह के सेट है। और ये आप लोग सामने देख सकते हो कि इधर प्रियांशु सिंह मतलब चीते का इधर शूटिंग भी हो रहा है। तो सामने और एक मतलब एक पुलिस क्वार्टर जो बाहर साइड से, और एक अंदर साइड से। तो ये जो है ये बाहर साइड वाला है। तो ये देखो, ये मैंने देख रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ये देखो ऑरेंज जैकेट में शूटिंग कर रहे पूरा उनकी टीम के साथ। और फिर मैं उनको मिला, और मैं पुष्पा मैडम को भी मिला, उनसे भी मिलके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो गाइस, अभी देख सकते हैं कि ये बिरयानी वाला शॉप है जो बहुत बार सीरियल में दिखाया गया है। तो ये अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, मतलब सब सेट के हिसाब से रहता है, ओरिजिनल नहीं रहता है, सिर्फ थोड़े बहुत ओरिजिनल चीज़ें मतलब यूटेंसिल्स वगैरह ओरिजिनल रहते हैं। अभी देख सकते हैं सब बाहर का साइड है। और बाकी सामने की तरफ मैं आपको दिखा था बदाम चाय वाला है ये, तो इसमें भी इसमें अभी भी शूटिंग तो होती ही रहती है, और ये फेमस है मतलब उसमें सीरियल में कि चाय के नाम से फेमस है। और बाकी देखो इधर कास्ट बैठी है, इधर सब लोग अपना सीन के लिए वेट किए हुए हैं। और इसके अंदर के साइड में कुछ तो बेडरूम जैसा है, शायद मेकअप रूम या कुछ सामान वामान रखने का रूम रहेगा, पता नहीं अभी मुझे इतना, क्या आपने देखा रहेगा तो मेरे को बताना कॉमेंट में। तो बाकी आगे की तरफ ये देख सकते हो, ये मार्केट का पूरा सा एरिया है जो कि सीन में बहुत बड़ा मार्केट दिखता है, पर ये ऐसा एकदम छोटे में है, मतलब कैमरा एंगल से हो जाता है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा कास्ट है, क्राउड है इधर, और ऐसा सब रहता है जो कि रियलिस्टिक लुक देने के लिए सब इधर शूटिंग में ऐड करते हैं। बाकी ये देख सकते हो ये वाला सैलून है, इधर भी बहुत बार शूट हुआ है। और ये देखिए, ये हमारे एक्टर है, अपने बाल बना रहे,
और सामने देखो पान की शॉप है, पान वाले की शॉप जो कि बहुत बड़ा सीजन में दिखाया गया है, जो कि पान वाला रहता है उसमें। और ये देख सकते हैं कि इधर शूटिंग का सब तैयारी हो रहा है और बाकी आगे आप लोग देखते रहिए। तो अभी बढ़ते हैं हम मेन पुलिस स्टेशन जो कि सेट है मैडम सर का लखनऊ में, ऐसा दिखाया है। तो ये अंदर से कुछ इस तरह है, तो ये सब देख सकते हैं आप, सेट है ऊपर के बाजू से मतलब वो रूफ नहीं रहते हैं, वो पर्दे लाइटिंग वगैरह सब रहते हैं जो कि अलग अलग सीन के लिए काम आते हैं। और बाकी आप लोग अंदर का देख सकते हो कि कुछ ऐसा ये सब दिखता है जो कि एक नॉर्मल सेट है, जो कि ऐसा लाइट यूज़ के लिए बनाया है और ज़्यादा बिना कम खर्चे में सब बनाया गया है, जो कि शूटिंग पर्पस में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और क्विक रहता है, मतलब फटाफट सब ये सब बन जाता है। और इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे संतोष शर्मा का ये मतलब बैच वगैरह है, मतलब फुल ओरिजिनल लुक देने के लिए पुलिस स्टेशन वाला उसके लिए दिया है ये सब। और ये देखिए यहाँ पे स्टार का सब ये कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी कौन सा शूट का वगैरह है। और यहाँ पे युक्ति कपूर मैडम और पुष्पा जी है, क्योंकि अभी इनसाइड की शूटिंग है। तो अभी ये सब रूम देख लीजिए, अभी सब मेकअप रूम है, पर ये बाहर से दिखने के लिए ये सब ऐसा रियलिस्टिक नाम वगैरह सब दिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये सब मेकअप रूम है, पर ये ओरिजिनल लुक देने के लिए ऐसा दिया गया है। और साथ में मैं मैडम सर को भी मिला उधर सेट पे, और जो उनके DSP सर रहते हैं उनको भी मैं मिला उधर। और अभी लेटेस्ट के एक शो में पुलिस वाले सर आए थे तो वो भी उधर ही थे, मैं वापस मिल लिया, और इनसे भी मैं वापस मिला क्योंकि इन्होंने न्यू लुक में आए थे ये। सो गाइस ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे फाइटिंग सीन का रिहर्सल चल रहा है और आगे शूट भी करने वाले, तो ये देखे ऐसा सब रिहर्सल वगैरह होता है। तो अभी आगे आप देखिए बोले, सब लोग टेंशन में है, बोले बोले एक्शन लो। नंबर मिलेंगे ये तेरा मिस हो जाने के बाद नेचुरली तो रुक होता है, अपन ऐसे नेचुरली ऐसे हो जाते हैं ना, डक हो गए ये पॉइंट ये हां ये और अभी दूसरे से। सो गाइस अभी देख सकते हो ये मतलब उनको शूट करना है कि उनको कोई मारा है और ये टेबल पे गिरे है, तो मारने वाला सीन अलग शूट किया है और टेबल पे गिरने वाला सीन अलग शूट किया है, जो कि स्टंटमैन करते हैं अलग से। तो ये देखिए कि सीन मतलब बहुत हार्ड शूट होता है। तो गाइस जैसे आपने मेरा पूरा वीडियो देखा कि मेरा अंदर का एक्सपीरियंस है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं युक्ति मैडम से मिला जिनका रोल है करिश्मा सिंह का, और सोनाली मैडम से मिला जिसका नाम है पुष्पा सिंह है, सीरियल में पुष्पा सिंह नाम है। प्रियांशु से मिला जिसका नाम चीते है, तो और गुलकी ओशी मैडम से भी मिला जो मेन हसीना मलिक है सीरियल में, तो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। बाकी आपने सेट का तो देखा ही, सेट पर भी अच्छी शूटिंग होते रहते हैं और बस मतलब बहुत इन्जॉयमेंट रहता है, और वो लोग में बिल्कुल हेट नहीं रहता है, मतलब कि सेलिब्रिटी हम लोग तो वीडियो निकालने नहीं देंगे ऐसा वगैरह कुछ नहीं था। मैं सिर्फ पूछा वीडियो बनाने, उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। सिर्फ जो मैं फ़ोटोज़ लिया हो तो उनका शूट चालू था इसलिए मैंने वीडियो नहीं ले पाया उनके साथ, सिर्फ मैंने युक्ति मैडम के साथ वीडियो लिया। बाकी आपने देखा कि शूटिंग का भी मैंने लाइव दिखाया आपको, कैसे शूटिंग हो रहा था सब अंदर। तो बाकी फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और इसका जो लोकेशन नए गाँव में है, और नए गाँव से वो आपको ढूंढना है, मैं इतना तो बोल दिया नए गाँव में। और अभी आने वाले आगे भी और ऐसी वीडियो आने वाले हैं, और जब तक आपने अभिषेक सर का वीडियो देखा नहीं है, मैं उनसे मिला था तो ऊपर आई बटन में उनका वीडियो है, तो जाके आप वो देख लो। बाकी चैनल में बने रहो ऐसे और वीडियोज लाने के लिए। मैं तो गाड़ी से आया हूँ, आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हो, बहुत ईजी पड़ता है, उधर से ऑटो करके आना पड़ता है, तो शेयरिंग में भी ऑटो हो जाता है, बाकी कुछ नहीं।